कैसे हो आप सब। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं न्यू ट्रिक्स के बारे में, जिसमें अपन लोग बात करेंगे कि हाउ टू लर्न प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का मीन्स आप लोग जानते ही होंगे, ऑल्टरनेशन का मतलब होता है एक के बाद दूसरी फेज। तो इसमें जनरली थ्री फेजेज होती हैं। कौन कौन सी फेजेज हैं, कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स हैं, उनकी अपन लोग बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी लाइफ साइकिल आएंगी, पहली आती है हैप्लोंटिक, इसके बाद सेकेंड आ जाती है डिप्लोंटिक, और इसके बाद थर्ड आती है हैप्लोडिप्लोंटिक। तो होती क्या है हैप्लोंटिक, क्या होती है डिप्लोंटिक, क्या होती है हैप्लोडिप्लोंटिक। तो हैप्लोंटिक का मींस क्या होता है n, डिप्लोंटिक का मींस क्या होता है 2n, और जिसमें n और 2n दोनों आए। मतलब हैप्लोंटिक का मींस होता है कि अपने आप को कौन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसमें एक्सप्रेशन के बेसिस पर, मतलब जो भी फेज डोमिनेंट करेगा उसके बेसिस पर अपन लोगों ने रख दिया है। तो हैप्लोंटिक में अपने आप को गैमेटोफाइट्स क्या करेगा, डोमिनेंट करेगा, तो उसको अपन लोग बोल देते हैं हैप्लोंटिक। और दूसरा कौन सा आ जाता है डिप्लोंटिक, इसमें स्पोरोफाइट्स अपने आप को क्या करेगा, डोमिनेंट करने की कोशिश करेगा, तो उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं डिप्लोंटिक। और इसमें गैमेटोफाइट्स प्लस स्पोरोफाइट्स दोनों अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लोंटिक। तो अपन लोग नॉर्मली एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, मतलब कि ये साइकिल्स होती कैसे है। तो देखो इस साइकिल्स में कैसे होता है, मान लो कि सबसे पहले कौन सी फेज आई, गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स फेज आई जो कैसी है एन हैप्लोंटिक, इसको अपन लोगों ने कन्वर्ट्स कर दिया किसमें, गैमिट्स में। गैमिट्स बने कैसे हैं, ये बने हुए हैं माइटोसिस से। इसके बाद गैमिट्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन गए यहां पर, जाइगोट, ठीक है यहां पर लिख लो जाइगोट। जाइगोट्स के बनने से क्या हुआ, यहां पर बन गई स्पोरोफाइट्स फेज, जो कि कैसी होती है 2n। अब 2n कन्वर्ट होगा किसमें, स्पोर्स में। अब स्पोर्स फिर से मियोसिस करके क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट्स। तो ये कुछ इनकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना है। तो अपन को मेनली क्या देखना है, इनके एग्जांपल्स जो अपन लोग ट्रिक के बेसिस पर देखेंगे। ऐसे ही यदि क्या होगा, डिप्लोंटिक फेज होगी तो उसमें डोमिनेंट क्या कर जाएगा, तो यहां पर डोमिनेंट कर जाएगा स्पोरोफाइट, सेम ऐसे ही चलता रहता है। तो चलो आगे चलते हैं, फिर देखो इसके बाद अपन लोग देखेंगे इसकी ट्रिक। तो इसकी ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को देखो। तो इसकी जो ट्रिक आती है, वो ट्रिक अपन लोग याद करते हैं, हेलो वॉइस कॉल सुनो, ठीक है, हेलो वॉइस कॉल सुनो। मतलब हैप्लोंटिक, हैप्लोंटिक की बात हो रही है, तो हैप्लोंटिक आ गया हेलो से, वॉइस से आ गया वॉल्वॉक्स, कॉल से आ गया क्लेमाइडोमोनास, और सुनो से आ गया स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी ट्रिक्स है, याद हो गई क्या आपको। चलो इसके बाद चलते हैं अपन लोग आगे। अब देखो नेक्स्ट आते हैं डिप्लोंटिक। डिप्लोंटिक को कैसे याद करोगे, डिप्लोंटिक या फिर अपन लोग इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अपन लोग बोल देते हैं स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफिटिक 2n फेज, ठीक है, जिसमें स्पोरोफाइट्स अपने आप को डोमिनेंट रखता है। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका है ए गुड फ्रेंड्स, ठीक है। ए से आ जाएगा एंजियोस्पर्म, गुड से आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, फ्रेंड से आ जाता है फ्यूकस। तो ऐसे आप डिप्लोंटिक फेज को याद रख सकते हो। इसके बाद आता है लास्ट और इम्पोर्टेंट फेजेस, जिसमें आता है हैप्लोडिप्लोंटिक। हैप्लोडिप्लोंटिक का मींस हमने आप लोगों को बता ही दिया है, क्या मींस होता है, जिसमें दोनों अपने आप को एक्सप्रेस या फिर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, डेट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लोंटिक। अब इसके बाद आता है बी, इसको कैसे याद रखोगे, बी कैल्प्स, ठीक है। कैल्प्स आप लोग जानते हो, कैल्प्स होती है ब्राउन एल्गी, तो बी मतलब ब्रायोफाइट्स। कैल्प से कैसे याद रखोगे, के से तो डायरेक्टली याद रख लोगे आप लोग किसको, कैल्प्स को, जो क्या है ब्राउन एल्गी। ई से याद रखोगे एक्टोकार्पस, एल से याद रखोगे लैमिनेरिया, पी से याद रख लोगे टेरिडोफाइट्स। ए इसकी ट्रिक्स है। अब देखो इसमें बहुत सारी एल्गीज भी आती हैं, उन एल्गीज को भी याद रखना है, तो उनकी भी ट्रिक्स देखते हैं। जैसे कि ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी को कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रख लेंगे अपन लोग जी ए यू सी से, ठीक है,
GAUC क्यों है लिखा है अपन लोग, जो RNA कंटेंट होता है उसको अपन लोग किससे देखते हैं, GAUC से, ठीक है। तो GA का तो डायरेक्टली मीन्स ही हो गया क्या, ग्रीन एल्गी, और U और C का U से आ जाता है उल्वा, और C से क्या आ जाएगा, क्लेडोफोरा, ठीक है, ये इसकी ट्रिक्स है। और इसके बाद रेड एल्गी, रेड एल्गी को याद रख लो, RP, RP क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर है जो बॉलिंग करता है, ठीक है, तो उसके नाम से, तो R से आ जाएगा रेड, P से आ जाएगा पॉलीसिफोनिया, ठीक है। और अपन लोगों ने ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल्स देख ही रखा था, जो क्या है, कैल्प्स, तो आप लोग ऐसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये इसकी जनरली ट्रिक्स थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, और मिलते हैं आप लोगों को ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।